Hi guys, this is Taukeer Alam here. Today we are going to learn conditional sentences in case. अब ये in case क्या है? In case का हिंदी होता है अगर या यदि ऐसा हो. In case एक conditional word है जिसका यूज हम future में होने वाले किसी काम की संभावना दिखलाने के लिए करते हैं. तो ऐसे condition में हम in case का यूज करते हैं. जैसे मुझे call करना अगर आपको मेरी आवश्यकता हो. इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि आने वाले दिन में अगर ऐसा हो, अगर आपको मेरी आवश्यकता हो तो आप मुझे रिंग करें, आप मुझे कॉल करें. मेरे दरवाजे की घंटी बजाना अगर कोई यहाँ आए. फ्यूचर की बात हो रही है और बताया जा रहा है कि अगर ऐसा हो, अगर कोई आए तो आप मेरे दरवाजे की घंटी को बजाएं. पुलिस को सूचित करना अगर चोर दोबारा आए. यानी अगर ऐसा हो, चोर दोबारा आता है तो पुलिस को सूचित करना. यहाँ फ्यूचर टाइम का पता चल रहा है. चलिए इस तरह के सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करें और उसके बाद प्रैक्टिस करें. मुझे कॉल करना रिंग मी अगर इन केस आपको मेरी आवश्यकता हो. आपको यानी यू, आवश्यकता होना नीड, मेरी यानी मी. रिंग मी इन केस यू नीड मी. दरवाजे की घंटी बजाना अगर कोई यहाँ आए. चलिए ट्रांसलेट करते हैं. मेरे दरवाजे की घंटी बजाना रिंग मेरी दरवाजे की घंटी माई डोर बेल. अगर यानी इन केस कोई यहाँ आए. कोई एनीबडी आए कम्स यहाँ हियर. आइए इसे ट्रांसलेट करते हैं. पुलिस को सूचित करना अगर चोर दोबारा आए. सूचित करना इन्फॉर्म द पुलिस. इन्फॉर्म द पुलिस अगर इन केस चोर दोबारा आए. द थीफ कम्स अगेन. इन्फॉर्म द पुलिस इन केस द थीफ कम्स अगेन. आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं ताकि कंसेप्ट शानदार तरीके से क्लियर हो सके. मैं देर हो जाऊंगा अगर बारिश हो या वर्षा हो. मुझे सूचित करना अगर आपको पैसे की जरूरत हो. कैसे ट्रांसलेट करेंगे? मैं देर हो जाऊंगा. मैं आए गा शैल. हो जाना बी. देर को कहते हैं लेट. आई शैल बी लेट अगर इन केस वर्षा हो. इट रेन्स मौसम वाले वाक्यों के साथ इट का यूज किया जाता है. मुझे सूचित करना अगर आपको पैसे की जरूरत हो. इन्फॉर्म मी अगर इन केस आपको पैसे की जरूरत हो. यू जरूरत हो नीड पैसे की मनी. इन केस यू नीड मनी. आइए कुछ एग्जांपल बाय हर्ट सुनते हैं. छाता ले लेना अगर बारिश हो. टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स. एक घर खरीद लेना अगर तुम्हें जरूरत हो. बाय अ हाउस इन केस यू नीड. अपने पड़ोसियों की मदद करना अगर उनको आवश्यकता हो. हेल्प योर नेबर्स इन केस दे नीड. तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको इन केस वाला टॉपिक समझ में आया होगा. फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ एक नए वीडियो में. तब तक के लिए बाय.